फ्रेंड देखिए, फ्रिज में रखने से और भी गाढ़ी हो गई है ये। अभी मैं अंदर से आपको खोलो बताऊंगी कितनी सॉफ्ट है ये। देखिए बहुत आसानी से कट रही है और ये देखिए बिल्कुल जो पनीर का टेक्सचर रहता है बिल्कुल उसी ही तरह से दिख रही है ये, और खाने में भी एकदम सॉफ्ट होती है। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये फेस्टिवल पे ही नहीं, किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी समारोह पर, या जब भी मीठा खाने का मन हो, या किसी भी खुशी के मौके पर हम इंस्टेंटली बना सकते हैं। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी है, जो सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रसमलाई बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्रेड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसी से इंस्टेंट रसमलाई बन के तैयार हो जाने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जो इन्ग्रीडियंट लिए हैं उसमें मीठ की स्लाइस ली है, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं यहाँ पर दूध लिया है, तो दूध में मैंने केसर के धागे मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि हमको इसका येलो कलर लाना है इसके लिए। तब तक भीग जाएंगे केसर के धागे और दूध हमारा येलो कलर में हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिए हैं, तो 10 से 12 बादाम लिए हैं और 15 के करीब पिस्ता लिया है, जिसे इस तरह से काट लिया है, जो हम इस रेसिपी में भी यूज़ करने वाले हैं और गार्निशिंग भी करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल शुगर ली है और मैंने थोड़े से 2 चम्मच शक्कर में यहाँ पर मैंने 4 इलायची का पाउडर बना के इस तरह से तैयार कर लिया। आप 2-4 इलायची हो तो उसको शुगर में मिक्स करके अगर ग्राइंडर में घुमा लेते हैं तो जल्दी से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है इलायची का। इसी तरह से मैंने यहाँ पर अलग से कुछ दूध लिया है, क्योंकि हमें ब्रेड स्लाइसेस यहाँ पर भिगाना है। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जिसे इस तरह से क्रम्बल कर लिया है, क्योंकि हम इसका ब्रेड क्रम्ब तैयार करने वाले हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया हुआ है, जिसे मैंने 5 मिनट हो गए हैं रख दिया है। इस दूध को हमको रिड्यूस नहीं करना है और बिना रिड्यूस किए ही हम इसे गाढ़ा गाढ़ा यानी 1 लीटर का 1 लीटर ही रसमलाई तैयार करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे तो आप वीडियो देखते रहें, आप जान जाएंगे किस तरह से हमको करना है। तो अभी रेसिपी की शुरुआत करूंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर दूध में हमने जो शुगर ली है, शक्कर और इलायची का पाउडर है, उसे ऐड कर देने वाली हूँ, जिससे कि शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए यहाँ पर। ब्रेड स्लाइस के इस तरह से जो ब्राउन किनारे हैं उसको रिमूव कर लेंगे हम। इस तरह से हमने रिमूव कर लिए हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सभी ब्रेड के जो ब्राउन पार्ट है ये रिमूव कर लिए हैं, अलग कर लिए हैं। अभी हमको क्या करना है, जो केसर वाला दूध है वो केसर वाला दूध में इस दूध में मिक्स कर दूंगी। जिससे इसका कलर जो रसमलाई का होता है वो आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे येलो कलर का होने लगेगा। अभी आप देख ही पा रहे हैं कलर चेंज हो गया है इसका। यहाँ पर जो बादाम और पिस्ते लिए हैं वो ऐड कर देंगे, बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। देखिए अब कलर भी चेंज हो गया है इसका। आप केसर की जगह पर जो केसरी कलर होता है, फूड कलर होता है बाजार में अवेलेबल, उसका भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो भी सही समझे उस तरीके को आप यहाँ पर इस्तेमाल में लाएं। अभी के फ्रेंड ये अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे और भी गाढ़ा होते जाएगा। अभी हमको आगे की प्रोसेस करना है, उसके लिए क्या करना है हमें, अब इस तरह से इसे दूध में भिगा लेंगे और भिगाने के बाद में इसे इस तरह से निचोड़ लेंगे। इसका जितना दूध है हम निचोड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भर लेना है और इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है इस तरह से, और इसका गोल गोल गोला बना लेना है।
हम रसमलाई के जिस तरह से चपटे चपटे गोले होते हैं ना, उसी तरह से कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको सारे तैयार कर लेना है। मैंने 3 रसमलाई बना के तैयार कर ली है यहाँ पर। फ्रेंड, लास्ट में मैं यहाँ पर गुलाब जल ऐड कर दूँगी, तो 2 से 3 चम्मच ले लेंगे हम। इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और ये अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। अभी हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। इतनी प्रोसेस के लिए मुझे 7 से 8 मिनट के लिए लगे हैं, क्योंकि हमने दूध को रिड्यूस नहीं किया है, बल्कि इसमें हमने जो ब्रेड क्रम डाला है उसी से ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है। इन बॉल के ऊपर रसमलाई ले लेनी है। तो मैं रख के अगर इसे खाने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने के लिए। तो आप इसे बनने के बाद में फ्रीज कर दें। ये रसमलाई का रस ठंडा हो चुका है, अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और अमेजिंग लगती है। गार्निशिंग कर लेंगे इसका। केसर के धागे भी डाल देंगे। तो फ्रेंड देखिए, इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल बाजार वाली दिख रही है, कहीं पर भी हमें नहीं लगता है कि हमने इसे घर पर प्रिपेयर किया है, ब्रेड की सहायता से किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में और एकदम सॉफ्ट होती है। आपको ये रेसिपी ज़रूर ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे उन्हें मेरे वीडियो की अपडेट मिल सकेगी। तो फ्रेंड देखिए, हमारी इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर 20 से 25 मिनट में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती, खाने लायक हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें हमको किसी तरह की चाशनी बनाने का काम नहीं पड़ा है, ना ही हमें जमने के लिए वेट करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छी दिख रही है। इसमें थोड़ा सा और हम गार्निशिंग कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बनाना मावा बर्फी या केला खोया मावा बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी ये मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, तो